कैसी रही टाइगर श्रॉफ की बागी थ्री की होली, बागी थ्री ने कैसे ताना जी को पीछे छोड़ दिया, ताना जी और बागी थ्री की जंग में आखिर कौन बाजी मार जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी थ्री सिनेमा घरों में धमाल मचा चुकी है और बागी थ्री ने होली के त्योहार पर भी धुआंधार कमाई की है। बागी टू के मुकाबले ये फिल्म हालांकि ज्यादा कमाई नहीं कर पा रही और थोड़ी पीछे रह गई है, लेकिन होली का दिन बागी थ्री के लिए बेहद खास रहा है। बागी थ्री ने पहले दिन 17 करोड़ की ओपनिंग कर तानाजी द अनसंग वॉरियर को भी पीछे छोड़ दिया। तानाजी ने पहले दिन 15 करोड़ की कमाई की थी, तो तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा कि फिल्म बागी थ्री तानाजी द अनसंग वॉरियर को पीछे छोड़ देगी, लेकिन तीसरे दिन से बागी थ्री की कमाई में गिरावट आने लगी, जिसका कारण कोरोना वायरस और बच्चों के एग्जाम्स बताए गए। लेकिन पांचवें दिन कमाई में एक बार फिर से उछाल आया। फिल्म ने चौथे दिन 9 करोड़, पांचवें दिन 14 करोड़ और छठे दिन 7 करोड़ की शानदार कमाई की। यानी होली बागी थ्री के लिए शानदार रंग लेकर आई और बागी थ्री ने अपने रंग में बॉक्स ऑफिस को रंग दिया। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म का 6 दिनों का टोटल कलेक्शन होता है 83 करोड़ रुपए, और अगर ओवरऑल कलेक्शन की बात की जाए तो इंडिया में बागी थ्री ने अब तक 103 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं बागी थ्री ने ओवरसीज से कमाए हैं 14 करोड़ रुपए, यानी बागी थ्री का अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 125 करोड़ रुपए। लेकिन ये फिल्म वीकेंड तक 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी, इसके चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं। जिस हिसाब से बागी थ्री को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट थी, उस हिसाब से फिल्म कमाई करने में थोड़ी नाकाम रही है। हालांकि इसमें एक्शन और स्टंट के डबल डोज को देखकर फैंस बागी थ्री के लिए काफी एक्साइटेड है। वेल, अभी बागी थ्री के पास वक्त है। तानाजी ने 372 करोड़ का शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और तानाजी ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है, जिसमें सलमान खान की दबंग 3 और अक्षय कुमार की गुड न्यूज भी शामिल है। और अब अगर टाइगर श्रॉफ ने ये आंकड़ा छू लिया तो अजय देवगन, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े दिग्गजों को टाइगर पीछे छोड़ देंगे। वहीं फैंस की भी पूरी उम्मीदें हैं कि बागी थ्री ही अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर को पीछे छोड़ सकती है। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर और बागी थ्री में आखिर बाजी कौन ले जाएगा? आपको जो भी लगता है, लिख डालिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।